पापा लेके आए हैं भोला भोला फिश, नहीं ये साइटिंग फिश है तो कटा हुआ है, तो मुझे बोटी का जरूरत नहीं है, धो लूंगी हो जाएगा। साइटिंग फिश का बच्चा लेके आए हैं। So guys, देखिए ये है फिश। ओमा बाबा মাছটা কেটেই এনেছে, কাটতে হয়নি, ধুয়ে দিলাম খালি। এটা ঝাল করো পিঁয়াজ দিয়ে। तो फिश को धो के दिया। मम्मी अभी इसका ग्रेवी बनाएंगे, स्पाइसी स्पाइसी। और अभी 12:23 हो रहा है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। 23 बोला तो 24 हो गया है, सो 12:24 हो गया है। आज कौन सा डे है? आज है नवंबर का 2nd डे, मतलब 2 तारीख सैटरडे है आज। चलो मेरा कुछ एडिटिंग का काम है, वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग अगर अभी से करके अपलोड नहीं करूंगी, शाम के 5:30 बजे ब्लॉग नहीं अपलोड होगा, तो इसीलिए अभी सोच रही हूँ एडिटिंग का जो काम है मैं कर लेती हूँ। हल्का हल्का सा ना मुझे भी फीवर जैसा महसूस हो रहा है। और होठ भी सूख रहा है मेरा, तो चलो ब्लॉग में टैग वगैरह दे देती हूँ। नहाना हो चुका है, घर का पूरा काम हो गया है। मम्मी का अभी तक नहाना नहीं हुआ है। कपड़ा मैंने जितना धोया था सब टेरिस में दे दिया है। पापा लंच करने बैठे हैं। इतना गोरी लग रही हूँ मैं ना? गर्मी बहुत ज्यादा है। गाइस अभी 1:30 हो गया है, लंच नहीं बना है। लंच अभी भी बन रहा है, वो जो पापा लेके आए ना शायद वो बन रहा है। बहुत गर्मी है गाइस। चलो अभी मेरा लैपटॉप का काम भी बाकी है। देखो मैंने
डाइनिंग टेबल में लैपटॉप रख दिया है, ये देखो, ये देखो। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए मम्मी को मैंने कितने अच्छे से तैयार कर दिया है, क्योंकि मम्मी का फोटोशूट करना था, इसीलिए। कैसी लग रही है मेरे मम्मी, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस मम्मी डिनर कर रही है, देखो पूरी। वीडियो जब भी करती हूँ मैं, मम्मी चुप हो जाती है। ये देखो ये हाथ, ये उल्टो कर दिलो के खड़े ना खे ना ना। सुमित सू पहन रहा है और माता का थूथू में ले जाओ ना ना ना। सुमित सू पहन रहा है, मैं क्या पहनूंगी पता है, कीटो पहनूंगी, पुराना कीटो, क्योंकि चलना पड़ेगा। तो ये देखिए जो पुराना कीटो है ना, ये पहनूंगी हमेशा ठाकुर देखने के लिए ना, पुराना सू ही पहनना चाहिए।